मोदी साहब से किसी ने पूछा कि जब 61 हिजरी में सारे सहाबा ने यजीद की बयत कर ली थी, तेरा किसी जाहिल कौम से वास्ता नहीं, हमें उनके नाम भी आते हैं और जितने मुयस्सर हो चुके हैं उनकी बल्दियतें भी आती हैं। इसका ताल्लुक है हस्बे तौफीक से। हम तुम्हें उन बंदों के नाम दिखाएं जिन्होंने यजीद की बयत को रसूल की बयत कहा। उन्होंने कहा मौदूदी साहब, जब सारे सहाबे कराम ने यजीद की बयत 61 हिजरी में कर ली थी, पूरी दुनिया ने उसे गालियां दी, लानत भी भेजी। मैंने सिर्फ लानत नहीं दी जाकिर नायक को, उसका शुक्रिया भी अदा किया। उसने अपना मजहब जाहिर किया। मुनाफिक बन के मजहब छुपाना बेगैरती है। उसने तो हिम्मत की है, हिम्मत। उसे तो इवार्ड देना चाहिए कि तूने बहुत अच्छा किया, तूने अपना मजहब जाहिर किया कि यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हो। इससे मेरे हुसैन की इज्जत को फर्क नहीं पड़ा, अलबत्ता रजी अल्लाह की औकात का पता चल गया। बोलना जिसे बात समझना है, रजी अल्लाह की हैसियत वाज़े हो गई है। अब हम लोगों को बता सकते हैं कि आप रजी अल्लाह किसे कहते हैं। अब मैं आप ही के उलमा की किताबों से पढ़ूंगा, ख्वाजा हसन निजामी ने यजीद का किरदार क्या लिखा, अहमद रज़ा खान बरेलवी के नजदीक यजीद क्या है, सीरत इब्ने हिशाम में यजीद क्या है, तारीख तबरी में यजीद क्या है, जिसमें साफ लिखा हुआ है शराबी था, आपने कहा रजी अल्लाह, माँ और बीवी को बराबर समझता था, आपने कहा रजी अल्लाह, रसूल की हदीसों का मजाक उड़ाता था, आपने कहा रजी अल्लाह, मेरे खामोश दोस्तों माफ करना। अब मैं सारे रजी अल्लाह चेक करके देखूंगा कहीं अंदर यजीद तो नहीं छुपा। इतना वक्त नहीं समय, गुफ्तगू तमाम है। अरब सुनिए, मौलाना मौदूदी अलैहि रहमा उनसे पूछा जा रहा है, जब सारे सहाबा ने 61 हिजरी में जितने मौजूद थे इस दुनिया में भी उस दुनिया में भी जिम्मेदार हूं, हुजरे में छुप के नहीं मिंबर पे गुफ्तगू कर रहा हूं, क्योंकि हमारा पीर भी हुजरे में नहीं बना था, मैदान में ऐलान। नहीं ठहरे, नतीजा बस वक्त को बिस्मिल्लाह। ये जो बंदे फ्यूज हो चुके हैं उनके चेहरे भी मुझे नजर आ रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से मिंबर पे कह रहा हूं, मुझे मौला अली की इज्जत की कसम, हम जिम्मेदार हैं। 61 हिजरी के नाम दिखाएंगे तुझे। उन्होंने बयत की यजीद की, उनका जब सारे सहाबियों ने कर ली थी तो हुसैन ने क्यों नहीं की, ये सवाल है कि जब सारे सहाबे कराम ने यजीद की बयत कर ली थी हुसैन ने क्यों नहीं की। कुरान की कसम मौलाना मौदूदी ने फरमाया, उसने कहा मैं सवाल पलट देता हूं, जब हुसैन ने नहीं की थी तो उन्होंने क्यों।